साथियों नमस्कार मैं अभय शर्मा अन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और किसी टेक्निकल रीज़न से कई दिनों से लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी और इसीलिए आज मैं रिकॉर्डेड क्लास आपको देख रहा हूं कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो शॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं जिस वजह से लाइव क्लास तीन दिन से मैं बराबर कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रही थी तो आज मैंने फिर सोचा रिकॉर्डेड क्लास ही आपको देता हूँ ब्रेक उतना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग डेली डोज के एक कैप्सूल डोज को हर रोज़ आपको दे रहे थे इस महीने में करीब पंद्रह सत्रह क्लासेज मेरी हुई हैं इसमें जिसमें हम मैथ्स के दस क्वेश्चन और रीजनिंग के दस क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन हमारे विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं है ना और एम के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको आधार मानते हुए हम डेली डोज़ के क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं ठीक है तो आज फिर हम इसमें देखते हैं रीजनिंग और मैथ्स के कुछ चुने हुए बेहतरीन क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूँ जो आनंद आप लाइव क्लास में लेते थे वही आनंद आप इस क्लास में भी लेंगे टाइमिंग मैं वैसे ही रखूँगा टाइमर लगाऊंगा एक मिनट का आपको पूरा टाइम दिया करूँगा और फिर आप घर पर जब भी क्लास को देखो आप तसली से उसके सॉल्यूशन लगाना उसके बाद फिर आप उसको मेरा सॉल्यूशन देखना हर क्वेश्चन को लगाने के बाद में लगभग क्वेश्चन के हिसाब से एक मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और उसके बाद पूरा टाइम होने के बाद मैं आपको उस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा इस तरीके से रिकॉर्डेड क्लास होते हुए भी आपको सब कुछ समझ में आएगा ऐसी मेरी उम्मीद है ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं आज के डेली डोज़ का पहला क्वेश्चन चलिए तो डेली डोज का पहला क्वेश्चन है चलिए टाइमर को लगाना है हमको एक मिनट का टाइमर हर क्वेश्चन में लगाएंगे और एक मिनट के बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। एक मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्लेम्ड को कोड कर दिया है तो डिसेक्ट को कोड कर दिया है इसी कोड भाषा में इसी कोड भाषा में पोलरी को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है चलिए तो घड़ी की टिक टिक को रोकते हैं और देखते हैं आपने क्या किया क्या इसका आंसर होगा देखो इसका आंसर आना चाहिए बी इसका आंसर आना चाहिए बी अब देखते हैं अगर आपका आंसर बी आ गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं आया तो क्या दिक्कत है तो सबसे पहले एक विशिष्ट भाषा में ब्लेम्ड बी एल ए एम ई डी ब्लेम्ड इसको कोड करा उन्होंने ठीक तो है तो बेटा इसको कोड किया इन्होंने क्या कोड किया डी ओ डी ओ डी ओ जी एच पी जी एच पी जी एच पी ठीक है इसको कोड कर दिया अब आप देखो लिंक क्या बन रही है कि ये दो है ये बारह है और ये एक है ये चार है ये पंद्रह है और ये पांच है तो देखो दो से अगर हम क्रॉस में जाए तो बी में तीन जोड़ दो तो क्रॉस की नंबर बन रही है हमारी पांच ए हमारा एक होता है और एक से चार बन रहा है तो ए में एक जोड़ दो तो क्रॉस की नंबर बन रही है डी एल हमारा बारह होता है और इसमें भी तीन जोड़ दें तो फिर सामने वाली नंबर बन रही है पंद्रह बात आपको समझ में आई होगी ठीक है ऐसे ही बेटा एम होता है हमारा तेरह और ये सोलह बन रहा है यानी एम में भी हमने तीन जोड़ा है क्रॉस की फिगर आ गई डी हमारा चार होता है तीन जोड़ देंगे तो सात हो जाएगा और क्रॉस देखो जी सेवन ही होता है और ई हमारा फाइव होता है तीन जोड़ देंगे आठ आठ का मतलब क्या होता है एच तो उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है अब हमको एक कोड और दे रखा है ऐसा तो उसमें भी यही लॉजिक लगना चाहिए एक बार हम देख लेते हैं डिसेक्ट है ना तो डी आई एस ई सी टी डिसेक्ट ठीक है अब इसको क्या कोड कर दिया इसको कोड कर दिया V L G W F और H इसको ये कोड कर दिया तो देखो D होता है चार और तीन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सात बिल्कुल G का मतलब सेवन होता है I नौ होता है तीन जोड़ दोगे तो बारह बन जाएगा तो देखो L बारह ही है और एस उन्नीस होता है तीन जोड़ दोगे तो बाईस और वी का मान बाईस ही है बाईस बात समझे आप है ना तो ये हमारा बाईस है ये हमारा बारह है और जी हमारा सेवन है तो अब तो हम कुछ श्योर हो गए कि यही लॉजिक हमारा क्वेश्चन में लग रहा है आगे ई फाइव होता है तीन जोड़ दोगे तो एच एट हो जाएगा टी ट्वेंटी होता है तीन जोड़ दोगे तो तेईस W हो गया बिल्कुल ठीक ये तीन होता है तीन जोड़ दोगे छः हो जाएगा ये हो गया इसका मतलब हर नंबर में तीन जोड़ रहा है क्रॉस में और मिडिल नंबर सामने ये हमारा लॉजिक बन रहा है अब आप देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसका कोड क्या बनेगा पोल पी ओ एल आर बाई तो आपको बताना है ओ एल और ए आर बाई का कोड क्या होगा ठीक है तो बेटा पी सोला होता है पी सोला होता है तो इसमें तीन जोड़ दो तो सोलह तीन उन्नीस तो उन्नीस क्या हो जाएगा हमारा उन्नीस हो जाएगा हमारा एस ओ पंद्रह होता है तीन जोड़ दोगे तो अठारह अट्ठारह क्या होता है हमारा आर ठीक है और एल बारह तीन जोड़ दोगे तो पंद्रह पंद्रह क्या हो जाएगा ओ ओ ओ तो बेटा आर आर एस एस से से जो जो ऑप्शन ऑप्शन चालू हो o, R, A, से जो चालू हो वो हमारा आंसर होना चाहिए नहीं तो फिर बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो रहा फिर हमारा आंसर क्या हो रहा है सी ऑप्शन आंसर हो रहा है इसका ओ आर एस है ना सी आंसर उसका होगा अच्छा एक इसमें तीन जोड़ दोगे तो चार तो भी डी हो जाएगा ये लास्ट में वाई हमारा कितना होता है पच्चीस तीन जोड़ दोगे तो अट्ठाईस अट्ठाईस में से छब्बीस गया तो दो दो का मतलब कितना हो गया बी आर अठारह तीन इक्कीस सो यू तो कितना आ गया ये आ गया ओ आर एस बी यू डी यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये क्लास लाइव नहीं है इसलिए थोड़ा आराम आराम से पढ़ाऊंगा है ना लाइव में तो क्या होता है कि आपके मैसेज कमेंट देख के हम द्वारा रिएक्ट कर सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास है रिएक्ट द्वारा नहीं कर सकते इसलिए बड़े तसल्ली से शांति के साथ हर क्वेश्चन को आपको समझना है ठीक है तो ये था भैया हमारा पहला क्वेश्चन और पूरी उम्मीद है मुझे कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाते हैं टाइमर के साथ में चलिए तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है और टाइमर हमने चालू कर दिया जवाब दीजिए अब क्या होगा उस एक अक्षर का नाम याद कीजिए जो दिए गए शब्दों में आगे लगाने पर पूर्णता नया शब्द बन जाए टिल टेबल पिल टैव प्रिंग है ना हमको कौन कौन से नाम दे दिए टिल टेबल पिल टैब और प्रिंग तो ऐसा कौन सा अक्षर है इनमें से ऐसा कौन सा अक्षर है जिसको इनके पहले हम लगा दें तो हमारे प्रॉपर मीनिंग बन जाएंगे चलिए तो टाइम पूरा हो गया है और आपने आंसर देख ही लिया होगा आंसर बेटा इसका कितना आ रहा है इसका आंसर आ रहा है बी सी ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है ठीक है इसका आंसर कितना आ रहा है सी ऑप्शन ठीक देखो अगर हम एस लगा देते हैं तो स्टिल अगर हम एस आगे लगा देते हैं स्टेबल स्पेल और स्टैब और स्प्रिंग अब यहां थोड़ा शब्द संसार आपका मजबूत होना चाहिए है ना इंग्लिश अल्फाबेट्स के मीनिंग आपके क्लियर होने चाहिए तभी इस तरह के क्वेश्चंस प्रॉपर बनाए जा सकते हैं है ना लेकिन ज्यादातर के आपको समझ में आ जाए तो उस लॉजिक से भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर लगा सकते हैं ठीक है तो यह था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और अब हम लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है और टाइमर को हम चालू कर देते हैं बताइए क्या होगा डॉक्टर पेशेंट लॉयर नेक्स्ट क्या है ना तो डॉक्टर मरीज और वकील क्या वकील के जो वकील जिनका केस डॉक्टर मरीजों को देखता है वकील किसको देखता है क्या वकील ग्राहकों को देखता है क्या मुवक्किलों को देखता है उपभोक्ता को देखता है या खरीदार को देखता है तो भैया इसका आंसर होगा मुवक्किल है ना वकील के क्लाइंट बोले जाते हैं क्या बोले जाते हैं क्लाइंट बोले जाते हैं ना वकील लोग हुए चार्टेड अकाउंटेंट हुए है ना लॉयर्स हुए सी हुए इनके क्या होते हैं जो इनके कस्टमर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कस्टमर नहीं बोलते हम उसको बोलते हैं ग्राहक नहीं बोलते हम उसको बोलते हैं मुवक्किल या इंग्लिश में बोला जाता है क्लाइंट बोला जाता है इसलिए यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा मुवक्किल ठीक <laughs> है चलिए तो छोटे छोटे रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा चलिए बनाइए क्या होगा थ्री सिक्सटी फाइव नाइन्टी तो सिक्स ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट क्या होगा यहां पे दो डॉट्स होने चाहिए अब ठीक है तो भैया 365 से 90 बन रहा है तो 623 से क्या बनेगा तो तीन से बन रहा है 90 तो आपको बताना है कि 623 से क्या बनेगा अब 365 से 90 कैसे बन सकता है भैया किसी का डिवाइड करके भी 90 नहीं आ रहा चार का भाग दें और पांच रिमाइंडर आएगा पांच कम कर दें या इसमें पांच का कम करके चार का भाग दें अगर इसमें पाँच का कम करेंगे तो चार का भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि फिर चार का भाग ही नहीं जाएगा है ना तो ये भी गड़बड़ हो गया और नब्बे कैसे आ सकता है तो देखो नब्बे कैसे आ सकता है कि अगर मैं तीन का गुणा छः में कर दूं और छः का गुणा पाँच में तो नब्बे आ रहा है तो तीन छः अठारह अठारह पंजे नब्बे हाँ ये पॉसिबल है तो इसको देखते हैं तो छः का गुणा दो में कर दें और दो का गुणा तीन में छः दूनी बारह और बारह तीन चौबीस तो फिर ये हमारा हो सकता है और ऑप्शन में लेकिन चौबीस नहीं है छह दूनी बारह तीन छत्तीस होगा सॉरी बारह तीन छत्तीस होगा है ना ये छत्तीस है दो नहीं है वो तीन है है ना तो बारह छह दुनी बारह बारह तीन छत्तीस तो छत्तीस है तो फिर आंसर हमारा क्या हो गया ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया ठीक है तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी तो रीजनिंग के बेसिक बेसिक से, से क्वेश्चन हैं और इसका आंसर क्या हुआ ए ऑप्शन इसका राइट right ऑप्शन हुआ ठीक चलिए तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है चलिए इसको आप तसल्ली से बनाइए तो कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड हमारे एग्जाम में पाँच छः क्वेश्चन तक हमको मिल जाते हैं रीजनिंग के पेपर में है ना पांच से छह क्वेश्चन इसी अल्फाबेट पर बेस्ड हमको मिल जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं ये कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड में आप बहुत फास्ट होते जाओगे बहुत तेज़ी से इनको आप देखते जाओगे ठीक तो है तो भैया क्वेश्चन है बी जे डी डी एक्स एफ और जी यू आई नेक्स्ट क्या होगा और तो लास्ट है पीएलएर तो ये हमें देखना है ये क्या होगा चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को चलिए तो बी जेड डी और डी एक्स एफ जी यू आई नेक्स्ट हमारा क्या है निकालना है और लास्ट है पी एल आर ठीक है अब बी का कोड क्या होता है दो अब इसका पहला इसका पहला इसका पहला हर ग्रुप का पहला देखना है आपको है ना तो ये अगर दो है तो ये कितना हो रहा है चार ये कितना हो रहा है सात और ये पता नहीं कितना होगा इन तीन प्लेस पर और यह कितना है सोलह यह कितना है सोलह ठीक है भाई तो दो चार पहले दो बढ़ रहा है तो लॉजिक हमारा क्या बन सकता है पहले दो बढ़ रहा है पहले दो बढ़ रहा है फिर कितना बढ़ रहा है तीन बढ़ रहा है तो फिर कितना बढ़ना चाहिए चार और चार के बाद क्या बढ़ना चाहिए पांच तो बेटा कुल मिला के नौ की वृद्धि हो रही है सात से सोलह जाओ तो सात से सोलह देखो नौ ही तो बढ़ रहा है सात से सोलह जाओगे तो नौ ही तो बढ़ रहा है इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट सोचा हमने तो यहां जी सेवन सात चार ग्यारह और ग्यारह को बेटा हम क्या लिख सकते हैं के तो जो ग्रुप मिसिंग है वो स्टार्ट होना चाहिए के से और के से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन है अगर एक ही होता तो हम उसको राइट टिक कर देते चलो आगे देखते हैं जेड के बारे में विचार करते हैं जेड से पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्योंकि के, के बाद क्यू है और के, के बाद पी है केवल जेड वाले से क्लियर हो जाएगा जेड कितना हो गया छब्बीस हो गया चौबीस हो गया इक्कीस हो गया बारह हो गया तो छब्बीस से चौबीस दो कम हो रहा है वहां पर दो बढ़ रहा था है कम हो रहा है चौबीस से इक्कीस तीन कम हो रहा है तो फिर इस हिसाब से यहां पर कितना कम होना चाहिए चार और यहां पर कम होना चाहिए पांच तो चार पांच नौ कम होना चाहिए तो देखो इक्कीस से बारह हो गया सेकेंड प्लेस की वैल्यू इक्कीस से बारह हो गई तो कमी तो नौ की हो रही है और यहां भी टोटल नौ कम हो रहा है इसलिए परफेक्ट सोचा में चार कम कर दोगे तो कितना आएगा सत्रा। और सत्रा क्या होता है क्यू तो के, क्यू से जो आंसर होगा वो राइट right होगा इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ठीक है तो तीसरा चेक करने की हमको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन दिए गए ऑप्शन में के क्यू से ही हो रहा है बाकी आप चेक करोगे तो ये डी चार है ये छह दो बढ़ रहा है है ना इसमें कितना बढ़ रहा है दो बढ़ रहा है देखो डी से आप यहां जाओगे दो बढ़ा एफ एफ से आई जाओगे तीन बढ़ा फिर ये चार बढ़ेगा ये हमारा कितना बढ़ेगा चार बढ़ेगा तो आई और चार नौ तेरह तेरह का मतलब क्या हो जाएगा एम बिल्कुल ठीक है तो ये लॉजिक हमारा बन गया आपका ठीक है चलिए तो ये था हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन और अब हम बढ़ते हैं आज के छठवें क्वेश्चन पर टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं जवाब दीजिए आप तो भैया इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि पी का अर्थ है गुणा जो पी का अर्थ है वो क्या है मल्टीप्लाई है है ना पी का अर्थ दिया है हमको मल्टीप्लाई और क्यू का जो अर्थ दिया है वो दिया है हमको माइनस क्यू का अर्थ क्या दिया है हमको माइनस दे रखा है ठीक है एस का अर्थ दे रखा है हमको जोड़ एस का अर्थ है जोड़ और आर का जो अर्थ है वो क्या दिया है भाग ठीक है आर का अर्थ डिवाइड दिया है अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको एक एक ऑप्शन ही चेक करना पड़ता और कोई तरीका हमारे पास नहीं होता तो पहला ऑप्शन चेक करें अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें तो भैया सेवन सेवन एस आ गया तो एस का मतलब तो प्लस है सेवन प्लस फिर छप्पन है फिफ्टी सिक्स है छप्पन के बाद क्या आ गया पी आ गया और पी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई पी का मतलब मल्टीप्लाई टू फिर क्या आ गया हमारा आर आ गया आर का मतलब क्या है डिवाइड आर का मतलब है डिवाइड 28, और ये किसके बराबर आना चाहिए ये ग्यारह के बराबर आना चाहिए अगर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक चल रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है तो भैया ये क्या हो जाएगा सेवन प्लस छप्पन इन टू दो बटे अट्ठाईस यही होगा है ना बराबर में ग्यारह आना चाहिए तो अट्ठाईस दूनी छप्पन दो धूनी चार तो सात प्लस चार तो भैया बिल्कुल आ गया ग्यारह बराबर ग्यारह आ गया इसका मतलब आगे हमको चेक नहीं करना पहला ही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है ठीक है पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया तो इस तरह के सवालों में हमको क्या करना है एक एक ऑप्शन को उठा के ही चेक करना पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है मान लो डी ऑप्शन राइट है तो पहला दूसरा तीसरा चेक करने के बाद ही टाइम लग जाएगा अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो पहले ही ऑप्शन आपको राइट मिल जाएगा समय बच जाएगा आपका ठीक है चलो तो यह था आज का हमारा छठवा क्वेश्चन और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब लेते हैं हम आज का सातवा क्वेश्चन टाइमर को चालू कर देते हैं जवाब दीजिए हम्म तो भैया इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया चेक करें वो कहते हैं कि मनुष्यों तथा घोड़ों के एक समूह में टांगों की कुल संख्या सिरों की संख्या के दुगनी से चौदह ज्यादा है देखो ये अर्थमेटिकल रीजनिंग होती है ये अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है कभी क्वेश्चन आपको मैथ्स में मिल जाएगा कभी ये रीजनिंग में मिल जाएगा है ना बेसिकली ये है ये अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन एवरेज चैप्टर जब आप पढ़ोगे एलिगेशन जब आप पढ़ोगे तब भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा है ना लेकिन है ये अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन इसलिए रीजनिंग में आ गया तो वो कह रहे हैं कि मनुष्यों तथा घोड़ों के एक समूह में टांगों की कुल संख्या सिरों की संख्या के दुगने से चौदह अधिक है टांगों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से चौदह अधिक है तो इस समूह में कितने घोड़े हैं देखो मान लो जो सिर की संख्या है वो कितनी है वो x है सिर की संख्या कितनी है x है या हम ऐसा करें दो वेरिएबल में सवाल बन सकता है हां चलो दो वेरिएबल में ही बना लेते हैं सवाल को है ना वो ज्यादा इजी हो जाएगा मान लो कि जो मैन है वो कितने हैं m और जो हॉर्स हैं वो कितने हैं एन ऐसा मान लो पुरुषों की संख्या एम है है ना और जो घोड़े हैं वो कितने हैं है 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 या आपको मानना है तो मान लो एक ही बात है। अब एक पुरुष की टांगे कितनी होती हैं दो और एक घोड़े की कितनी होती हैं चार तो ये हो गई कुल टांगे ठीक है तो मनुष्य तथा घोड़ों के एक समूह में है ना भाई एक पुरुष की दो टांगे एम पुरुषों की टू एम एक घोड़े की चार तो एन घोड़ों की चार तो ये हो गई कुलटाम टांगों की संख्या और वो कह रहे हैं कि मनुष्य तथा घोड़ों के एक समूह में टांगों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से चौदह अधिक है तो बेटा सिर की संख्या कितनी होगी सिर की संख्या होगी एम पुरुषों के एम सिर और एन घोड़ों के एन सिर और इनके दुगने से चौदह ज्यादा बात समझ में आई तो जो पैर हैं जो टांगों की संख्या है वो सिर अब सबका एक ही सिर होता है है ना सिर तो सभी का एक होता है तो एम, एम प्लस एन तो कह रहे हैं सिरों की संख्या के दुगने से चौदह ज्यादा टांगों की संख्या है तो मैं समझता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है यहां आप सॉल्व करते हैं इसको तो इस समूह में कितने घोड़े हैं हमको एन की वैल्यू निकालना है इसमें कितने घोड़े हैं हमको एन की वैल्यू निकालना है तो सॉल्व करते हैं भैया है क्या होता है तो ये टू एम प्लस फोर एन बराबर टू एम प्लस टू एन प्लस चौदह तो टू एम से टू एम तो घटा दो घटा दिया टू एन इधर आएगा फोर एन में से घटेगा तो टू एन बचेगा टू एन बराबर चौदह तो एन बराबर कितना आ गया सात आ गया एन बराबर सात तो मेरे ख्याल से यही आंसर हो गया घोड़ों <coughs> की संख्या हमको निकालनी थी तो घोड़ों की संख्या हमारी कितनी हो गई सात हो गई ठीक है तो बड़ा प्यारा सवाल था थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश किया था अच्छा सवाल था एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि तो इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों के डाउट बने होंगे फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं चलिए तो अगला क्वेश्चन लिया जाए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शंस के हैं दिशा परीक्षण से है बनाइए हुँ. तो भैया क्या आंसर आ रहा है इसका तो इसका आंसर शायद आ रहा है बी चेक कर लेते हैं इसको एक बार वो कहते हैं कि ए बी के पश्चिम दिशा में है है ना जो ए है वो बी के पश्चिम दिशा में तो ये बी हो गया ये बी हो गया बी के पश्चिम दिशा में ए हो गया ये ए हो गया है ना बी के पश्चिम दिशा में ए हो गया ठीक है सी ए और बी के बीच में उत्तर की ओर स्थित है तो ए और बी के बीच में उत्तर तो इसका मतलब सी ये हो गया ये सी हो गया डी बी के दक्षिण में स्थित है और बी की रेखा पर है तो बी जो डी है वो बी के दक्षिण में दक्षिण मतलब नीचे की तरफ तो है ना दिशाओं का तो आपको पता ही होगा ये साउथ होता है ये नॉर्थ होता है ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है तो दक्षिण मतलब नीचे और बी की रेखा में मतलब तो बी तो के ठीक नीचे हो गया डी तो ये हो गया आपका डी ठीक है अब C के सापेक्ष D किस दिशा में अब C के सापेक्ष मतलब हम C को फिक्स कर दें और फिर देखें कि C के सापेक्ष D की स्थिति क्या है तो भैया ये हुआ दक्षिण और ये हुआ पूर्व दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट यानी कि आंसर इसका क्या हो गया B ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया ठीक है तो दिशा डायरेक्शन का क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था आंसर इसका है बी ऑप्शन चलिए तो अगला क्वेश्चन लिया जाए क्वेश्चन नंबर नाइन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना बोलती है कि वह लड़का जो है ना वह मेरे दादा मेरे दादा बीना के दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है उस लड़के का बीना से क्या संबंध है उस लड़के का बीना से क्या संबंध है तो ब्लड रिलेशन का एक बेसिक क्वेश्चन है जवाब दीजिए क्या होगा तो एक मिनट का पूरा समय हो गया है और उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन बना लिया होगा अब देखो इसमें है क्या इसमें है क्या देखो हम जब लड़के को लेते हैं तो उसको ट्रायंगल में रख देते हैं और कोई फीमेल होती है तो उसको सर्किल में रख देते हैं है ना ये मेल को शो करता है और ये फीमेल को शो करता है भाई बहन एक ही लेवल पर होंगे लेकिन उनके बीच में कोई साइन नहीं होगा अगर पति पत्नी है तो इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा बाकी जनरेशन के हिसाब से ऊपर और नीचे जाते हैं ये पैटर्न होता होता है तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना बोलती है ना एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना बोलती है तो मान लो ये बीना है और ये एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोलती है बीना है बोलती है मतलब ये महिला लड़की है तो बीना क्या बोलती है कि वह लड़का जो है वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र दादा बीना के कौन क्या होंगे बीना के पिताजी के पिताजी ये बीना के दादा होंगे है ना बीना के पिताजी के पिताजी और पिताजी का एकलौता पुत्र मतलब बीना के पापा और इनका वो लड़का है इसका मतलब वो जो लड़का है वो कौन है वो बीना के फादर का लड़का है इसका मतलब ये तो भाई बहन हुए एक ही जनरेशन के हुए है ना तो उस लड़के का बीना से क्या संबंध है तो वो लड़का क्या होगा लड़का जो है वो बीना का भाई होगा इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप अगर इस डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं तो कैसा भी उठ सवाल हो आपको सवाल पढ़ते जाओगे डायग्राम बनता जाएगा क्वेश्चन इजीली आप बना लोगे टाइम आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा ठीक है तो उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और अब हम लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन रीजनिंग में आज के डेली डोज में रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन क्योंकि हम लोग दस क्वेश्चन रीजनिंग के लेते हैं और दस क्वेश्चन मैथ्स के लेते हैं ठीक है चलिए तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन सिलोगिज्म चैप्टर से है न्याय निगमन चैप्टर से है आप तसल्ली से इसको देखिए जवाब दीजिए और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा तो सभी बकरी बाघ हैं और सभी बाघ शेर हैं और कंक्लूजन हमारे बहुत सारे दे रखे हैं चार कंक्लूजन दे रखे हैं है ना चार कंक्लूजन दे रखे हैं ये पहला है ये दूसरा कंक्लूजन है ये तीसरा कंक्लूजन है और ये चौथा कंक्लूजन है ठीक है और ये पहला कंक्लूजन है दो कथन और चार निष्कर्ष तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपने आंसर बना लिया होगा इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं देखो तो 150 मेथड हमको लगाना है ये वेन डायग्राम से भी हम बना सकते हैं बट 150 बेस्ट मेथड होता है बहुत जल्दी तेजी से जवाब आता है तो सभी बाघ तो बेटा बाघ को सौ दे दोगे और बकरी को फिफ्टी पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट 50 होता है सभी शेर तो यहां शेर को 100 दे दोगे बाघ 50 हो जाएगा पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट है ना कोई बकरी बाघ नहीं है कोई मतलब सभी बकरी यानी सौ और निगेटिव का ऑब्जेक्ट भी सौ होता है तो ये भी सौ हो गया और कोई शेर बकरी नहीं है तो बेटा कोई शेर यानी कि ये सौ हो गया और बकरी नहीं है तो बकरी को भी सौ ये मैंने कंक्लूजन पे नंबर दे दिए अब मैं कथन पे दे रहा हूं सभी बकरी यानी कि सौ बाघ है यानी फिफ्टी और सभी बाघ यानी कि सौ शेर है यानी कि फिफ्टी ठीक है अब अगर आप देखो अगर आप देखो पहला वाला है ना अगर आप पहला देखो कि एक मिनट मैं नंबर इनके द्वारा लिख दूंगा तो पहला है हमारा कि सभी बाघ बकरी हैं है ना तो बाघ और बकरी का अगर हम रिश्ता निकालते हैं तो ये बाघ और शेर बकरी बाघ बाघ शेर बाघ बकरी की बात कर रहे हैं तो कथन एक से काम चलेगा तो कह रहे सभी बाघ बकरी, है। तो मतलब बाग बकरी, बाग तो हैं, बकरी हैं तो सभी का मतलब बाघ कितने हो गए सौ और बकरी कितनी हो गई पचास अब इधर देखो बाघ तो पचास है बकरी सौ है तो बेटा बाघ पचास से सौ तो हो नहीं सकते तो पहला तो हो गया गलत पहला क्या हो गया पहला आपका हो गया गलत अब दूसरा अगर आप देखते हो सभी शेर बाघ हैं तो शेर कितने हो गए सौ और बाघ कितने हो गए पचास शेर बाघ की बात करोगे तो शेर हमारे पास पचास है या शेर सौ कैसे हो सकते हैं तो बेटा दूसरा भी हो गया हमारा गलत पहला भी गलत और दूसरा भी गलत अब कोई बकरी बाघ नहीं है तो बेटा ये नेगेटिव कंक्लूजन है बकरी और बाघ की बात करोगे तो बकरी और बाघ का एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया और चौथा भी हमारा इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये भी नेगेटिव ही तो आ रहा है शेर और बकरी की बात कर रहे हैं अब शेर और बकरी की बात करोगे तो बाघ से बाघ मिल जाएंगे लेकिन ये भी पॉजिटिव है ये भी दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन नेगेटिव दे दिया है वो कह रहा है कोई शेर बकरी नहीं है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो ये हो ही नहीं सकता पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब कोई भी सही नहीं है तो फिर हम क्या लगाएंगे कोई भी अनुसरण नहीं करता यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट right ऑप्शन होना चाहिए ठीक है तो जिनका सही है बहुत अच्छी बात जिनका सही नहीं है मैंने तसल्ली से आपको इसका डिटेल एनालिसिस कर दिया है वो आप देख लीजिए समझ लीजिए ठीक है और इसको अब मैं लेता हूँ अगला क्वेश्चन हमारे दस क्वेश्चन रीजनिंग के पूरे हो गए हैं और अब हम आते हैं मैथ्स के सेक्शन पर ठीक है चलिए चलिए हमारा आज का ग्यारहवा क्वेश्चन और टाइमर को चालू कर देते हैं जब आप, आप सोचिए बनाइए क्या होगा बताइए x माइनस वाई का मान तीन दे रखा है तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस नाइन एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी तो साथियों समय पूरा हो गया है क्वेश्चन का और कहीं ना कहीं आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा देखो इसमें क्या हो रहा है x माइनस वाई का मान तो दे रखा है तीन और क्यूब कर दिया है इसका है ना हमको क्या कर दिया इक्वेशन का क्यूब हो रहा है तो आप फिर ऐसा करो इसका क्यूब कर देते हैं हम इसका क्यूब कर देते हैं है ना तो x माइनस वाई का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये तीन का क्यूब हो जाएगा है ना तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई और एक्स माइनस वाई और तीन का क्यूब होता है सत्ताईस बात समझ में आई भी है आपको फॉर्मूला लगा दिया एलिमेंट्री का मैंने क्यूब बाला ठीक है अब फॉर्मूला लगा दिया तो आप देखो एक्स माइनस वाई की वैल्यू तीन में आप पुट कर देते हैं तो तीन तरह का नौ हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यू माइनस तीन तरह का नौ एक्स वाई बराबर कितना हो गया सत्ताईस अच्छा हमको यही तो निकालना था एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस नाइन एक्स वाई तो ये वैल्यू कितनी आ गई ये वैल्यू आ गई, आ गई आपकी ट्वेंटी सेवन ठीक है तो एक छोटा सा फॉर्मूले का यूज था पूरा एलिमेंट्री का बेसिक क्वेश्चन था और आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को इसको आप नोट कर लें फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं चलिए शुरू हो जाइए एच टी एफ एलसीएम का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है उनका एच एफ दे रखा है उनका एलसीएम क्या होगा तो भई आपको पता होगा अगर दो संख्याओं का अनुपात अगर ए अनुपात बी है और उनका एच सी एफ अगर एक्स है तो संख्याएं क्या होंगी ए एक्स और बी एक्स तो संख्याएं क्या हो जाएंगी एक्स और बी एक्स है ना तो जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ए एक्स और बी एक्स ठीक है और एक्स और बी एक्स का एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई ऐसी संख्या बताओ जिसमें ए एक्स का भी भाग चला जाए और बी एक्स का भी तो हम संख्या क्या ले लेंगे ए बी एक्स तो भैया मैं यही बोलता हूं कि रट लो अनुपात A, अनुपात B है और एच सी एफ एक्स है तो एलसीएम क्या होगा एलसीएम बेटा इनका ए का बी का और एक्स का मल्टीप्लाई कर दू एलसी हो जाता है ए बी एक्स ठीक है तो हमको ए बी एक्स का ही मान निकालना है तो भैया अनुपात कितने दिए सात और तेरह तो ए का मान सात और ये तेरा और एच सी एफ कितना दे रखा है आठ तो तेरह सत्ते इक्यानवे इंटू आठ तो आठ एकम आठ आठ नौ बहत्तर तो आंसर कितना हो गया डी ऑप्शन सात तो सौ अट्ठाईस आपका आंसर हो गया ठीक तो एच सी एफ एल सी एम का शुरुआती बेसिक क्वेश्चन था और आप सभी का उत्तर सही आया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं जिनको दिक्कत हो उनको मैंने थोड़ा सा लॉजिक भी आपको बता दिया है कि एबीएक्स होता कैसे है ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं आज के तेरहवें नंबर के प्रश्न की तरफ थर्टीन नंबर का क्वेश्चन देते हैं आज हम चलिए तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए तो भाई टाइम पूरा हो गया है और प्रश्न हमारा परसेंटेज का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो सिंपल ही आते हैं अगर आप लेटेस्ट एग्ज़ाम का ट्रेंड देख रहे हों या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे हों चाहे वो एसएससी में चले जाओ आप एसएससी में सीएचएसएल में कोविड की वजह से व्यापक में तो ज़्यादा एग्जाम हो नहीं पाए थे अपने एमपी में या एमपी के अभी कांस्टेबल के जो पेपर चल रहे हैं वो आप देखो तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि क्वेश्चन तो हमारे सिंपल आते हैं क्वेश्चन में कोई ज़्यादा पेचीदगी नहीं है ज़्यादा उलझा नहीं रहे हैं लेकिन जो कैलकुलेटिव वैल्यू डाल देते हैं वैल्यू बहुत कैलकुलेटिव डाल देते हैं डेसिमल्स में डाल देंगे ऊट पटांग अंडर ऊट वाली स्थिति बन जाएगी तो क्वेश्चन आप ये मान के चलना कि नॉर्मल आना है लेकिन वैल्यू कैलकुलेटिव होना है तो कैलकुलेशन पर आपका एक विशेष ग्रिप होना चाहिए कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए बड़े बड़े टफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए आज के एग्ज़ाम के ट्रेंड के हिसाब से जो बात निकल के आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ है ना चाहे आप सी की तैयारी एस की तैयारी कर रहे हो चाहे आप स्टेट लेवल पर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कैलकुलेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए टेबल्स आपको थर्टी तक याद होने चाहिए स्क्वायर अंडरवूड याद होना चाहिए डेसिमल वैल्यूज के रूट निकालने आना चाहिए तो ये आपकी ग्रिप होनी चाहिए कैलकुलेशन लेवल पर ठीक है ना अब हमारा ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से तो हम क्या करेंगे तीसरी संख्या को मान लेंगे सौ तीसरी संख्या को मान लेंगे सौ और दो संख्याएं तीसरी संख्या से पच्चीस और साठ परसेंट अधिक है तो पहली संख्या पच्चीस परसेंट अधिक है एक सौ पच्चीस हो गई और दूसरी संख्या साठ परसेंट अधिक है तीसरी से तो वो 160 हो गई तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये रेशियो हमको निकालना है तो पाँच से काट दो भैया पाँच से काटोगे पाँच धूनी दस पचम पच्चीस और पाँच से काट दोगे तो पाँच तीन पंद्रह पाँच दूनी दस तो आंसर कितना हो गया पच्चीस अनुपात बत्तीस ठीक है हालांकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इजी लैंग्वेज के साथ आ गया लेकिन करंट जो पैटर्न है वो यही है कि वैल्यूज़ जो हैं सवाल बिल्कुल ऐसे ही आएंगे आपके न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसे ही होंगे बस ये जो वैल्यू दे रखी हैं साठ परसेंट दे रखा है पच्चीस परसेंट ये हो सकता है साठ की जगह सत्तावन से ही दो बटे तीन परसेंट दे दें हो सकता है पच्चीस की जगह छः से ही दो बटे चार परसेंट छः से ही दो बटे पाँच परसेंट छः से ही दो बटे तीन परसेंट दे दें है ना तो ये वैल्यूज़ को टफ करके सवाल को थोड़ा सा कैलकुलेटिव करने की कोशिश करेंगे बाकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल तो नॉर्मल ही रहता है ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आज का फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन दो अंकों की एक पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दिखाई इकाई के अंक के वर्ग के बराबर है मूल संख्या तथा संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त नई संख्या में अंतर चौवन दे रखा है मूल संख्या का चालीस प्रतिशत क्या होगा यह आपको बताना है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कोशिश कीजिए अच्छा क्वेश्चन है टाइम लगेगा आपको लेकिन कोई दिक्कत नहीं मैं आपको टाइम एक ही जगह दो मिनट दे दूंगा लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है बनाने का प्रयास जरूर करें <coughs> अब ये क्वेश्चन इतना घुमा दिया है कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी हिट नहीं कर सकते है ना आज से छः सात साल पहले जब इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते थे तो हम ऑप्शन से उनको बना सकते थे लेकिन अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी आप नहीं बना सकते क्योंकि मूल संख्या का चालीस परसेंट है पहले आप संख्या निकालोगे फिर संख्या को फिर क्रॉस चेक करके देखोगे तो वो सब चीज़ें हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनको बनाया जाए चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा टाइम टेकिंग है थोड़ा सा लैंडी है सबसे पहले की लाइन उन्होंने बोली कि दो अंकों की एक धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है तो बेटा नॉर्मली हम संख्या क्या लिखते थे एक्स वाई दो अंकों की संख्या को हम क्या लिखते थे एक्स वाई लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है इसका मतलब वाई की जगह हम वाई नहीं लेंगे हम क्या लेंगे एक्स स्क्वायर लेंगे अगर ये दो है तो ये कितना होगा चार होगा बात समझे आप तो दो अंकों की धनात्मक संख्या में इकाई का जो अंक है वो टेंथ प्लेस पर जो वैल्यू उसका स्क्वायर है ठीक है तो फिर संख्या बेटा क्या हो जाएगी हमारी संख्या तो संख्या हो जाएगी एक्स और एक्स स्क्वायर ठीक है संख्या हो जाएगी एक्स और एक्स स्क्वायर ठीक है फिर कहते हैं कि मूल संख्या मूल संख्या तो यही है और संख्या के अंकों को आपस में बदल दें तो बदल दोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगी हो जाएगी तो प्राप्त नई संख्या में अंतर चौवन है तो बेटा बोल रहे हैं इनका अंतर हमको कितना दे रखा है फिफ्टी फोर दे रखा है बात समझे आप ठीक है तो मूल संख्या का यानी एक्स का चालीस परसेंट क्या होगा ये आपको बताना है एक्स का चालीस परसेंट क्या होगा यह आपको बताना है ठीक है तो कह रहे हैं कि मूल संख्या तथा संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त नई संख्या में मूल संख्या है ना अब देखो मूल संख्या अगर एक्स एक्स स्क्वायर है तो उस अंकों को बदल दोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इनका अंतर दे रखा है हमको फिफ्टी ठीक है अब देखो ये संख्या बड़ी होगी कि ये संख्या बड़ी होगी भाई पहले बड़ा नंबर आ गया तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी तो फिर हम घटाएंगे इसमें से इसको तो अब याद रखना बड़ी छोटी संख्या का चुनाव भी आपको ही करना है तो हम क्या घटाएंगे एक्स स्क्वायर एक्स में से घटाएंगे एक्स एक्स स्क्वायर को और ये कितना आएगा 54 अब आपको पता है कि संख्या अगर एक्स वाई है तो उसको लिखते कैसे हैं उसको लिखते हैं टेन एक्स प्लस वाई जो यूनिट प्लेस पर है उसमें वन का मल्टीप्लाई करते हैं जो टेंथ प्लेस पर उसको टेन का है ना जैसे तेईस एक संख्या है तो तेईस को हम क्या लिखेंगे दो इंटू टेन प्लस थ्री इंटू वन तभी तो तेईस आएगा ये तो वैसे ही बेटा ये संख्या क्या हो जाएगी ये हो जाएगी टेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू फिफ्टी फोर बात समझे भैया ठीक है अब टेन एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेगा नाइन एक्स स्क्वायर और ये एक्स और माइनस नाइन एक्स हो जाएगा बराबर हो गया चौवन नौ का भाग जा रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर छ ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर छ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अब हमको ओरिजिनल नंबर निकालना एक्स का मान निकालना है पहले तो, तो बेटा यहां से अगर एक्स का मान निकालोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए तो एक्स स्क्स माइनस छ बराबर जीरो की संख्या को हम ऐसे ब्रेक करें कि जोड़ें तो माइनस वन और गुणा करें तो माइनस का छह तो भैया माइनस का तीन एंड प्लस का दो ले लो तो ये कितना हो जोड़ोगे तो माइनस वन गुणा करोगे तो माइनस का छह फिर इसके बाद हम साइन चेंज कर देते हैं तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और नेगेटिव नंबर को छोड़ देते हैं तो बेटा यहां से समझ में आया एक्स का मान कितना हो गया तीन एक्स का मान तीन है तो जो मूल संख्या है हमारी मूल संख्या वो कितनी है जो मूल संख्या है वो है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो तीन और तीन का स्क्वायर नौ, नौ। यानी कितना हो गया उनतालीस तो मूल संख्या हमारी उनतालीस आ गई अब हमें मूल संख्या नहीं निकालनी मूल संख्या का चालीस प्रतिशत निकालना है तो उनतालीस का चालीस परसेंट आपको निकालना है ठीक है तो भैया उनतालीस का चालीस परसेंट कितना हो जाएगा उनतालीस इंटू चालीस बटे सौ ठीक है चार नौ छत्तीस और चार तीन बारह और पंद्रह दशमलव छह तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन इसका आंसर आ गया भैया क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ऑप्शन से बनाने में खतरा था क्योंकि बारी बारी से हमको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते ये सवाल बहुत आता है पेपर में बहुत ज़्यादा आता है है ना और कई बार ऐसी परिस्थितियाँ में फंस जाते हैं हम लोग विकट परिस्थितियों में कि ऑप्शन से भी नहीं बनता इसलिए इसका जो डेरिवेशन है जो ड्राइव किया जैसे मैंने इसको प्रॉपर मेथड है उसको आप ध्यान से समझ लीजिए नोट कर लीजिए चलिए तो अगला क्वेश्चन लिया जाए चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पंद्रह पढ़िए सोचिए समझिए और बनाइए एक रिटेलर ने होल सेलर से चार सौ रुपए प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदे प्रत्येक रोडियो पर उसने 30 प्रतिशत मूल्य को बढ़ाकर प्रिंट कर दिया और 8 परसेंट का डिस्काउंट दे दिया उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ चलिए सरल क्वेश्चन है सिंपल है डिस्काउंट का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है तो भैया एक मिनट का समय हो गया है अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया सबसे पहले समझ लो कि जब आपको प्रतिशत में आंसर निकालना हो तो हमको एग्जैक्ट डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है हम प्रतिशत में आंसर निकालना है तो एग्जैक्ट डेटा की हमको कोई जरूरत नहीं होती कभी भी नहीं होती है ना अब क्या दे रहे हैं कि देखो होता क्या है एक सीपी होता है एक एमपी होता है और एक एसपी होता है तो सबसे पहले बोलता है कि हमने रेडियो खरीदा तो रेडियो खरीदा प्रत्येक रेडियो को तीस परसेंट मूल्य बढ़ाकर हमने प्रिंट कर दिया हमने जितने में भी खरीदा उससे तीस परसेंट ज्यादा में हमने प्रिंट कर दिया एमआरपी हो गई और उसके बाद हमने आठ परसेंट का डिस्काउंट दे दिया तो हमें बताना है कितने परसेंट का लाभ होगा ठीक है कितने परसेंट का लाभ होगा अब इस सवाल को आप कई प्रकार से बना सकते हो सक्सेसिव चेंज का मामला है पहले मूल्य तीस परसेंट बढ़ाया फिर बढ़ा हुआ मूल्य आठ परसेंट कम किया अब आपको बताना है कि फाइनली हमें कितना लाभ हो रहा है तो इस सवाल को आप कई प्रकार से बना सकते हो है ना तो आप इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हो एक्स प्लस वाई क्या कर सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन हंड्रेड हमको निकालना क्या है इन दो चेंजेस के इक्वलेंट एक चेंज कुल मिला के कितना परसेंट का लाभ हानि हो रहा है हमको ये निकालना है या आप इस सवाल को सौ मान के भी बना सकते हो या आप इस सवाल को रेशियो से भी बना सकते हो फिलहाल अगर ये फॉर्मूला लगाएं, तो तीस माइनस आठ प्लस तीस इंटू माइनस आठ बटे सौ तो तीस में से आठ गया तो बाईस हो गया ये माइनस साइन आ ही जाएगा और ये चौबीस बटे दस यानी टू पॉइंट फोर हो जाएगा तो बाईस में से दो गया तो बीस बचाओ बीस में से पॉइंट फोर गया तो नाइनटीन पॉइंट सिक्स हो जाएगा इसका मतलब हमको आंसर कितना आ गया नाइन्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट तो डी ऑप्शन हमारा राइट right ऑप्शन बाकी आपने देखा ही होगा सक्सेसिव चेंज के क्वेश्चन तीन चार टाइप से बन जाते हैं सौ मान के फार्मूले भी हैं नेट चेंज का ये फार्मूला मैंने बता दिया रेशियो बेस्ट होता है इसमें रेशियो से भी बन सकता है फिलहाल लेकिन दो चेंज के इक्वल एंड एक चेंज निकालना है तो ये फार्मूला बेस्ट है बहुत जल्दी इजी आंसर दे देता है ठीक है चलिए तो ये था भैया आज का हमारा पंद्रहवा प्रश्न और बढ़ते हैं इसी क्रम में आज के अगले क्वेश्चन पर हैं। और लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन चलिए तो सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन बनाइए क्या हो एक राशि आठ प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से दो साल में दो हजार नौ सौ सोलह रुपए हो जाती है चक्रवर्ती ब्याज पर ठीक है और उसी राशि पर नौ परसेंट प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से तीन वर्ष का ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है अच्छा क्वेश्चन है तो देखो कई तरीके से सवाल बन सकता है आपका हम स्टेप मेथड भी लगा सकते हैं फॉर्मूला भी लगा सकते हैं है ना मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ समझना कि हमने आठ परसेंट से CI पर आठ परसेंट सी पर दो साल में जो अमाउंट है वो हमको दे रखा है दो साल का जो अमाउंट है वो हमको दे रखा है ठीक है तो आप देखो दो साल है और आठ परसेंट रेट है तो आठ परसेंट रेट आठ परसेंट रेट मतलब कुल मिला के हमने ब्याज कितना दे दिया तो ये कितना हो जाएगा आठ और आठ सोलह और आठ आठ सोलह सोलह दशमलव छः चार परसेंट नेट चेंज हमने निकाल लिया इफेक्टिव रेट जिसको हम बोलते हैं ब्याज की प्रभावी दर निकाल ली आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो तो प्रभावी रूप से अगर आप आठ परसेंट प्रतिवर्ष की दर से दो साल की बात करो तो दो साल में बेटा आपको ब्याज कितना मिलेगा सिक्सटीन पॉइंट सिक्स फोर परसेंट ब्याज मिलेगा दो साल में ठीक है तो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स फोर परसेंट ब्याज मिल रहा है अब लेकिन ये तो हमको क्या दे रखा है ये हमको दे रखा है मिश्रधन तो हंड्रेड परसेंट मूलधन था 100 परसेंट मूलधन था और 16.64 परसेंट ब्याज मिल गया तो ये टोटल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 116.64 परसेंट और इसकी जो वैल्यू है ये हमको कितनी दे रखी है 2916 दे रखी है ठीक है तो अगर आप 100 परसेंट की वैल्यू निकाल लेते हो तो वो मूलधन की राशि हो गई है ना अब कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन आसानी होगा सिंपल होगा इसको कैलकुलेट करते हैं देखते हैं क्या आ रहा है है ना तो मूलधन की राशि क्या होगी हंड्रेड परसेंट की वैल्यू हमको निकालना है तो इसको आप सॉल्व करोगे तो वन वन सिक्स सिक्स फोर बटे में दशमलव बटाओगे तो सौ और प्रतिशत का भी सौ हो जाएगा तो ये वैल्यू हो गई टू नाइन वन सिक्स टू नाइन वन सिक्स है ना तो आप देखो हमको तो सौ का मान निकालना है तो एक का मान क्या हो जाएगा ये उधर चला जाएगा और सौ का मान निकालना है तो ये ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक की वैल्यू हो जाएगी टू नाइन वन सिक्स इंटू सौ इंटू सौ बटे वन वन सिक्स सिक्स फोर ये एक की वैल्यू हो गई और सौ की वैल्यू निकालोगे तो सौ का इसमें मल्टीप्लाई और कर दो ये हंड्रेड परसेंट का मान आ जाएगा ये एक काम करो एक काम करो ये ज्यादा कैलकुलेशन हो गया ज्यादा कैलकुलेशन हो गया एक परसेंट का मान कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका टू नाइन वन सिक्स बटे वन वन सिक्स पॉइंट सिक्स फोर तो हंड्रेड परसेंट का मान कितना आएगा इन टू हंड्रेड कर दो हमको हंड्रेड परसेंट की वैल्यू निकालना है। ये ज्यादा ठीक है ठीक है अब ये डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो और एक सौ और आ जाएगा डेसीमल आपने हटा दिया तो एक सौ और आ जाएगा ठीक है अब आप देखो सोलह चौक चौसठ उनतीस चौक दो सौ सोलह तो ये संख्या कितनी बार कट गई चार बार कट गई चार से ही कट गया पच्चीस बार तो बेटा कितना आ गया पच्चीस सौ तो आ गया मूलधन जो चीजें हमको डरा रही थी वो बड़ी सिंपल निकली आप देखो सोलह चौक चौसठ और उन्तीस चौक एक सौ सोलह होता है है ना तो जो चीजें हमें डरा रही थी वो बड़ी सिंपल सी निकली है ना तो ये कितना आ गया पच्चीस सौ तो मूलधन पच्चीस सौ आ गया आप कहते हैं कि उसी राशि पर नौ परसेंट से तीन साल का ब्याज क्या होगा तो पच्चीसौ रुपए पे पच्चीस सौ रुपए पे, नौ परसेंट से तीन साल का ब्याज आपको निकालना है तो दो जीरो से दो जीरो काट दो पच्चीस नंबे दो सौ पच्चीस पच्चीस में दो सौ पच्चीस इंटू तीन तो छे सौ आ गया ये कितना आ गया छह सौ यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया है ना तो ये अच्छा सवाल था इसको इजी भी नहीं बोलेंगे बढ़िया सवाल था डबल कैलकुलेशन हो गया था एक तो कंपाउंड से हमको प्रिंसिपल मूलधन निकालना था और फिर हमको ब्याज भी निकालना था कंपाउंड में मूलधन निकालने के बहुत तरीके होते हैं मैंने इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगा दिया बाकी फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं स्टेप मेथड से भी हम बना सकते हैं बहुत तरीके होते हैं फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे ये सबसे फास्ट लग रहा था इसलिए मैंने इसका यूज़ किया ये तो एक अच्छे लेवल का अच्छी कैटेगरी का सवाल था स्तरीय सवाल था चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए चलिए सत्रवा प्रश्न आज का द रेशियो इन विच एक सौ बानवे रुपये प्रति किलो वाली है ना यहां से क्वेश्चन चालू हो रहा है यहां से क्वेश्चन चालू हो रहा है प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक सौ पचास रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को वन नाइनटी फोर पॉइंट फोर नाइन जीरो में बेचने से बीस परसेंट का लाभ हो तो एलिगेशन का बेसिक लेवल का क्वेश्चन जल्दी से बनाइए hmm. तो देखो टाइमर चालू नहीं कर पाए थे इस बार चलो कोई नहीं एलिगेशन लगाओगे तो आपको क्या बोल रहे हैं कि भैया एक चाय तो आपकी वन नाइन्टी टू रुपीज़ पर के जी की है दूसरी चाय आपकी वन फिफ्टी रुपीज़ पर के जी की है लेकिन जो ब्लेंडेड वैरायटी है जो मिश्रण है उसका कॉस्ट नहीं दिया मिश्रण का हमको सेलिंग प्राइस दे दिया हमको बोलते सेलिंग हैं सेलिंग प्राइस दे रखे हैं सेलिंग प्राइस वन नाइन्टी फोर पॉइंट नाइन जीरो और इस पर हमको लाभ हो रहा है गेन हो रहा है बीस परसेंट तो बेटा सबसे पहले तो हमको इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी तब जाके हम कॉस्ट प्राइस रखेंगे तब एलिगेशन हमारा लग पाएगा है ना एलिगेशन में ये कॉस्ट है ये कॉस्ट है तो एवरेज प्लेस पर भी कॉस्ट होना चाहिए तो आप देखो कितना आ रहा है बीस परसेंट का मतलब कितना होता है एक बटे पाँच इसका मतलब ये होता है कि पाँच का जो माल है वो पाँच का माल जो होता है हम कितने में बेचें छह में बेचते हैं अगर तो बीस परसेंट का लाभ हो रहा है एक रुपये बढ़ा के अब छह की वैल्यू कितनी दे रखी है वन नाइन्टी फोर पॉइंट नाइन जीरो छः से काटोगे तो छः तीन अट्ठारह और छः धुनी बारह और छः चौक चौबीस है ना छ तीन अठारह तीन बच रहा है अच्छा छ तीन अठारह एक बचा छह धुनी बारह दो बचा अब दो बच रहा है तो डेसीमर लग गया छः चौक, चौक चौबीस और कितना बच गया आपका पाँच बच गया है ना पाँच बच गया तो पाँच बच गया तो छ आठ अड़तालीस छ आठ अड़तालीस और ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है इसमें है ना एग्जैक्ट आना चाहिए क्योंकि नहीं तो फिर हमको फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा है ना एग्जैक्ट हमारा नहीं आ रहा है वन नाइन्टी फोर पॉइंट नाइन जीरो बेटा आना तो एग्जैक्ट ही होना चाहिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी सेलिंग प्राइस है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं एक बार और चेक कर लेता हूं मैं एक बार और तो 20 परसेंट लाभ ही तो बोला है लाभ बोला है ना बिल्कुल लाभ बोला है तो इसका मतलब पांच का माल हम छह में बेचें तो हमको 20 परसेंट का लाभ होगा और छह की वैल्यू दे रखे हैं वन है ना ठीक है तो ठीक है तो पांच की वैल्यू क्या होगी हो सकता हो है पांच का गुणा करने पर ठीक ठीक आ जाए तो छः की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू क्या होगी वन नाइन्टी फोर पॉइंट नाइन जीरो बटे छः और इन पांच की वैल्यू क्या होगी ये होगी अब शायद बन जाएगा अब बन जाएगा तो जीरो पांच नौ पैंतालीस का पांच चार बचा पाँच चौक बीस का चार चौबीस दो बचा पांच नौ पैंतालीस और दो सैंतालीस चार बचा और पांच एकम पाँच और चार नौ बटे कितना होगा छः तो छम छः तीन छ छिंग छत्तीस बचा एक और छह दूनी बारह छूनी बारह भाई इसमें एग्जैक्ट तो आ ही नहीं रहा कैसे भी नहीं आ रहा एग्जैक्ट और जब तक एग्जैक्ट नहीं आएगा तब तक कैसे आंसर बनेगा है ना तो जीरो हो गया नौ पंज पैंतालीस का पांच हो गया चार बचा पांच चौ बीस चार चौबीस का चार दो बचा और पाँच नौ पैंतालीस दो सैतालीस का सात चार बचा पाँच एकम चार नौ एकम नौ तीन तो सैंतीस हुआ और छः छिंग छत्तीस एक चौदह छः दूनी बारह और छः चौक बारह है ना एक बच रहा है नहीं 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 नहीं, 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 नहीं इसमें तो बहुत बड़ी भैया इसमें कुछ डेटा एरर है इसमें कुछ डेटा एरर है मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ है ना उसके बाद इसको देख लेते हैं इसमें कुछ ना कुछ डेटा एरर है वन नाइन्टी फोर पॉइंट नाइन जीरो इंटू फाइव है ना एंड डिवाइडेड बाई Six. हाँ जी कुछ डेटा एरर है इस सवाल में इस सवाल में कुछ डेटा एरर फंस गया एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है इसीलिए इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और इस हिसाब से तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो भी नहीं आएगा वो एवरेज प्लेस पर 162 का लेवल लेके चल रहे हैं तो यहाँ कुछ गलती हो गई इनसे है ना एवरेज यहां कितना आएगा गलती हो गई तो भैया इस सवाल में कुछ प्रॉब्लम है इसको हम स्केप करते हैं बहुत टाइम हमारा इसने ले लिया चलो क्वेश्चन नंबर एटीन बनाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर एटीन जल्दी से एटीन बनाते हैं समुद्र किनारे एक टॉवर के शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति ये पाता है कि उसकी तरफ आ रही नाव का अवनमन कोण 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी ठीक है तो बेटा डायग्राम अगर हम देखें ऐसी स्थिति बन रही है है ना? ऐसी स्थिति बन रही है तो पहले कोण कितना था तीस डिग्री था और दस मिनट बाद ये कोण कितना हो गया साठ डिग्री हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमने दस मिनट में ही पार कर ली ठीक है अच्छा और हमको इसमें बताना क्या है कि हम नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी देखो तो टेन सिक्सटी के हिसाब से चलोगे तो टेन सिक्सटी के हिसाब से चलोगे तो ये दूरी एक होगी और ये दूरी रूट तीन होगी क्योंकि तो टेन सिक्सटी होता है रूट तीन बटे दो और टेन थर्टी भाई इसका ये एक तो ये तीन तो ये रूट तीन तो पूरा कितना हो जाएगा तीन तो ये पूरा तीन हो जाएगा इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी दो तो आप देखो दो किलोमीटर वो जा रहा है दस मिनट में दो किलोमीटर वो जा रहा है दस मिनट में तो वो कह रहा है कि भैया मीनार तक कब पहुंच जाएंगे हम ठीक है तो कितनी देर में नाव समुद्र के किनारे कब तक आ जाएगी तो एक दूरी पार करनी है तो एक दूरी कब पार कर लेंगे पाँच मिनट में जब दो दूरी पार कर रहे हैं हम दस मिनट में तो ये एक दूरी हम कितनी देर में पार कर लेंगे तो भैया आंसर कितना आ जाएगा इसका ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन कि पांच मिनट में ठीक है चलो तो बढ़िया भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट नाइंटी नंबर का क्वेश्चन नाइनटी नंबर दो व्रतों की त्रिज्याएं दी है बीस और तेरह उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परधि इन दोनों व्रतों की परि के योग के बराबर है चलो जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा तो दो व्रतों देखो दो व्रतों की त्रिज्याएं हैं बीस और तेरह और उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परधि इन दोनों व्रतों की परि के योग के बराबर है तो पहली व्रत की परधि क्या होगी टू पाई इंटू बीस और दूसरी व्रत की परि क्या होगी टू पाई इंटू तेरह और ये किसके बराबर होगी टू पाई इंटू कैपिटल आर बड़े व्रत की परधि कितनी हो गई टू पाई कैपिटल आर तो उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परधि इन दोनों व्रतों की परधियों के योग के बराबर है तो टू पाई टू पाई कट गया आर का मान कितना आ गया आर का मान आ गया आपका तेईस तो बेटा इसका आंसर कितना हो गया? का मान तेतीस आ गया तेतीस आर का मान कितना आ गया? तेतीस सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन आपका आ गया है ना? तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था सिंपल एकदम स्वीट बेसिक क्वेश्चन और इसी के साथ हम लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं चलिए यह आज का अंतिम प्रश्न है कि बयालीस सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे ठोस शीशे के गोले से स्पेयर है एक तो तीन सेंटीमीटर व्यास वाली कुल कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं ठीक है थेके? तो भैया मान लो एन गोली बनाई सक, जा सकती हैं कितनी गोली बनाई जा सकती है एन तो एक गोला जो होता है ना उसका आयतन होता है चार बटे तीन पाई आर अब बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो आर है तो छोटे गोले की स्मॉल आर मान लो और छोटे गोले बनेंगे कितने एन तो एन गोलों का आयतन कितना होगा चार बटे तीन पाई आर स्मॉल आर क्यूब तो बड़े ठोस गोले का आयतन और छोटी छोटी जितने भी गोलियां उनका आयतन बराबर होगा अब कह रहे हैं कि बयालीस सेंटीमीटर ठोस तो ये हमको कितना दे रखा है बयालीस सेंटीमीटर ब्यास <coughs> ब्यास हमको दे रखा है बयालीस तो रेडियस कितनी हो जाएगी इक्कीस और चार बटे तीन पाई कॉमन कट जाएगा चार बटे तीन पाई तो ये कट ही गया तो बेटा ये हो गया इक्कीस का क्यूब इक्कीस इंटू इक्कीस इंटू इक्कीस बराबर तीन सेंटीमीटर ब्यास वाली कुल एन गोलिया बना रहे हो और ब्यास तीन सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी तीन बटे दो तीन बटे दो और तीन बटे दो ये हो जाएगा तीन बटे दो बात समझे आप है ना यहाँ भी ब्यास दे रखा है तीन सेंटीमीटर ब्यास है तो तीन का आधा कर दो तो वो रेडियस हो गई इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो तीन सत्ते तीन सत्ते तीन सत्ते इक्कीस इक्कीस तीन तीन एंड इक्कीस सात का क्यूब होता है तीन सौ तैतालीस और इसमें आठ का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा एन हो जाएगा ठीक है तो बेटा आठ तीन चौबीस दो बचा आठ चौक बत्तीस और दो चौतीस तीन बचा आठ तीन चौबीस और तीन सत्ताईस तो आंसर आ गया टू सेवन फोर फोर यानि कि ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया ठीक तो साथियों ये था आज का डेली डोज और आज का डेली डोज थोड़ा सा आराम से चला और क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं थी इसलिए हमको थोड़ा सा तसल्ली से चलना पड़ा और उम्मीद करता हूं कि आज का डोली डेली डोज आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी चलिए तो चलते चलते फिर आज की आखरा आखिरी जो हमारा रहता है अनएकेडमी के बारे में बता देना कि मैं हूं अभय शर्मा और मैं अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ा रहा हूँ एम व्यापम पर ठीक है और इसमें तो मेरा रेफरल कोड है अभय एस लाइफ ए बी एच ए बाय अभय एस लाइफ और इस रेफरल कोड का यूज करके आप एडिशनल टेन परसेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ठीक है यदि आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं सोलह हजार रुपए जो है और उसमें टेन परसेंट ये डिस्काउंट लगा देते हैं तो ये आपको पड़ेगा इकता चौदह हज़ार चार सौ रुपये का चौदह हज़ार चार सौ रुपये में आपको चौदह हज़ार चार सौ रुपये में आपको एम पी पी एस सी या व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की फुल तैयारी सभी विषयों की एम पी के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको मिल सकती है तो साथियों याद रखिए मेरा रेफरल कोड है अभय एस लाइफ और दो साल का कोर्स खरीदेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा बाकी फिर जैसे जैसे आप ड्यूरेशन को शॉर्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन चार्ज थोड़े थोड़े बढ़ने लगते हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को शेयर करें और वेल आइकोन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें तो आज का डेली डोज यहीं तक फिर हम शीघ्र मिलेंगे आपसे नए डेली डोज में नए क्वेश्चंस के साथ तब तक के लिए नमस्कार